दोस्तों कैसे हो, फिर से आपके सामने आ गया है जोमेटो रनर बॉय एक नया वीडियो लेके। आज का बहुत अच्छा पावन दिन है, उसे कहते हैं आज गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन में आज मैं अपने गुरुओं को नमस्कार, जिन लोगों से मैंने कुछ बहुत कुछ सीखा हो जीवन में, बहुत सारी बातें सीखी है, उन लोगों को आज मैं अपने तरफ से अपना गुरु पूर्णिमा के दिन आज उनको मैं अपना नमस्कार और श्रद्धा से ये करने वाला और उनकी कुछ बातें आपको बताने वाला। उनने मेरे को जो जीवन में कुछ ज्ञान दिया है उस बातों के बारे में आपको ही मैं बताने वाला। मेरे गुरु है मेरे माता पिता, उनको मेरा नमस्कार। इन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा हो जीवन में। इन लोगों ने सबसे पहली बात सिखाई है, एक बात सबसे बड़ी चीज़ सिखाई, श्रद्धा किस पे करना चाहिए, इससे आपका, अब मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने श्रद्धा मेरे को करना सिखाया है। सबसे बड़ी चीज़ सिखाई श्रद्धा करना इस परमात्मा पे, जिसके अपन सब लोग बच्चे हैं। ये फिर इस वहाँ पे गुरु में बड़े महागुरु योगी लोग, इन लोगों को मेरे तरफ से आज प्रणाम। आज वहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन में इनको मैं अपने तरफ से प्रणाम किया हूँ। और इन लोगों ने मेरे को इसके बारे में सिखाया है कि इनके प्रति कैसे तुमको श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा अटूट होती है उसकी वहाँ पे श्रद्धा अटूट रहने के बाद उसका विश्वास बहुत बड़ा चीज़ होता है। विश्वास से इंसान कुछ ना कुछ पाता है, कुछ ना कुछ बन पाता है। और उसके बाद में मेरे जीवन में सबसे बड़ा कुछ ना कुछ अगर मैं सीखा हूँ जीवन में, मेरा और जीवन में एक बहुत बड़ा गुरु है, उसको भी मैं आज अपने गुरु पूर्णिमा के दिन में अपने तरफ से उसको भी आज अपना नमस्कार करना चाहूँगा। जो मेरा दूसरा गुरु है, जिसने जीवन में हर प्रसंग में मेरे साथ दिया है, हर प्रसंग में उसने मेरे को मार्गदर्शक किया है, हर चीज़ में मेरे को कभी भी कोई भी अगर मैं गलत राह पे भी जाता हूँ या कोई मैं गलत मार्ग में जाता हूँ तो वो मेरे को मार्गदर्शक करता है। सबसे बड़ा गुरु मेरा है मेरा छोटा भाई मेरा, जिसका नाम है संदीप गौतम। इसने मेरे को हर पल हर वक़्त जो बड़े भाई को करना चाहिए उसने पूरे फर्ज वहाँ पे निभाया। एक मेरा छोटा भाई होके भी उसने मेरे को हर पल संभाला है, हर वक्त उसने मेरे को किसी न किसी वक़्त में हर साथ दिया है, बोलो ज्ञान से बुद्धि से हर बातों से उसने मेरे को ये दिया। मैं ऐसा अपरंपार उसका ऋणी हूँ, उसका ऋण मैं जीवन में कितना कुछ भी कर लूँ तो ना चुका सकूँ। बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, गुरु पूर्णिमा के माध्यम से, एक ही इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक बात, मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग श्रद्धा जिसकी रहेंगी अटूट वो विश्वास कर सकता है, और विश्वास से ही आप लोग जीवन में हर चीज़ पा सकते हो। और कभी भी जीवन में आप पे जिन लोगों ने भी आपको अगर ये की मदद की है या किसी न किसी रूप में आके आपको मार्गदर्शक किया है तो आप उनका कभी भी ऋण मत भूलिए, उनके किसी न किसी रूप में आके ये ऋण ये की चुकाइए। और उनका मार्गदर्शक को आपको किसी भी तरीके से उनने किए हो मार्ग, क्यों ना कभी प्यार से कभी क्रोध से, कभी कभी कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे अपने माता पिता इतना अपने को प्यार करते हैं, क्रोध में आके आपको कितना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, पर वो हमेशा आपके भलाई के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। मैं ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके मैंने आज अपने जीवन के 11 बजे तक इतना वीडियो देखा हूँ, इतनी वीडियो देखा, एक भी वीडियो में ऐसी बातें मेरे को आज मिली नहीं। मैं आप लोगों को मेरे अंदर में कुछ ऐसी बातें चली, मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ, किसी को मैं कुछ सिखाना नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत बड़ा पंडित या ज्ञानी नहीं हूँ, पर मेरी बातें मैं बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था वीडियो में। ये मेरे जीवन के अंदर का एक ऐसा अटूट सत्य है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें अगर आप लोग इसमें से कुछ बातें अगर मेरे अगर धारण कर लोगे या ये स्वीकार लोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों का भी ये हो जाएगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि एक बात बताता, अपने को जो प्यार करता है, जो दिल जी जान से चाहता है, वो अपना कभी बुरा नहीं चाहता है, वो किसी क्रोध में प्यार में आपको आके आहोश में आपको डांटेगा ये करेगा, अपन वो आपके भले के लिए आपको कुछ ना कुछ वो बोलना चाहता बताना चाहता, और अपन वो बातें नहीं समझ पाते हैं उस समय, क्रोध में आके अपन कुछ ना कुछ निर्णय ले लेते हैं या डिसीजन ले लेते हैं और बाद में फिर लाइफ भर उसको अपन पछताते रहते हैं। तो जीवन में आप एक बात समझिए
जब जीते जी आप उसकी कदर करना सीख जाइए। बस मैं गुरु पूर्णिमा के सामने ये मेरा संदेश है सारे लोगों को, अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बस यही बोलना चाहता हूँ। बाय बाय।